किसान साथियों, ये मेरा मल्लिका का पेड़ है और आप इसे देखिए, चारों तरफ से कितनी खूबसूरत कैनोपी मैंने बनाई है इसकी। काफी कटिंग की है मैंने और अब इसमें देखिए भरपूर बोर आया हुआ है और काफी फल लगेंगे। पिछले साल भी इतना ही लगभग इसमें बोर आया था, लेकिन मैंने सारा हटा दिया था। जिन भाइयों के 3 साल तक के पेड़ हैं, ये सितंबर में 3 साल का पेड़ हो जाएगा और इसमें मैंने खाद लगाया था, अभी जनवरी में खाद लगाया था इसके आसपास में, और देखिए कितना भरपूर आया है और इसमें इस समय कोई भी बीमारी नहीं है। मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। अभी आप देखिए, अगर मैं इस सब बोर को रोक दूंगा तो इसकी बढ़वार पर बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए मुझे सारा बोर ये लगभग हटा देना है। ये देखिए इस तरह से, जहां से बोर आता है वहां पर एक्चुअली ये रिंग होता है, सारे पत्ते एक साथ होते हैं, इस रिंग से थोड़ा नीचे से आपको इसे काट देना है। ये मैंने काट दिया। जितना कम रखूंगा उतना ही मेरा पौधा अच्छा चलेगा। ये मैं हटा दूंगा। ये देखिए, ये जो ये आ रहा है इसको भी मैं छोटा करूंगा। ये पहला रिंग है जहां पर बोर आया है, ये दूसरा है, इसके नीचे से मैं इसे हटाऊंगा। आपको लग रहा होगा त्यागी जी इसे काट रहे हैं बहुत ज्यादा, ये जो ये पूरी टहनी है मैं इसको भी हटा दूंगा यहां से। इसका कारण है, मैं बताता हूं कि ये मैं छोटी नीचे की है, इसे बहुत नीचे नहीं ले जाऊंगा। और क्या करेंगे इसमें कि ये वाला भी मैं पूरा हटा दूंगा। अब ये एक बचेगी, यहां से निकलेगी इसमें, यहां से एक दो यहां से निकलेगी और उसको मैं चलाऊंगा तो मेरा बहुत अच्छा पौधा चलेगा। अभी आप देखेंगे इसी प्रकार ये है, इसको मैं हटा दूंगा और इस वाले को भी मैं यहां से हटा दूंगा, इसको ये मैं काट दूंगा। अब मैं इसमें इस बार कुछ फल अवश्य लूंगा, जैसे ये वाला है, इसको भी मैं हटा दूंगा यहां से। ये देखिए ये वाला है, देखिए कितना जबरदस्त आया हुआ है, ये रिंग है इसका, इसके नीचे से मैं इसको हटाऊंगा ये। और आप देखना कितना सुंदर पेड़ ये बनेगा, इसको मैं यहां से हटाऊंगा। ये वाला जो है इसको भी मैं यहां से हटाऊंगा, इसके रिंग के पास से, जो दूसरा रिंग है यहां से हटाऊंगा, और देखना कितना अच्छा बनेगा। अक्सर किसान एक गलती करते हैं और उसकी वजह से एक बीमारी आती है। जब इस पर फल लिया जाएगा तो यहाँ पर आम होंगे और जब आम लेने के बाद ये डंडी बचती है उसे छोड़ देते हैं। जिन लोगों के पौधे पर पहुंच है, छोटे पौधे हैं या जिन्हें बहुत शौक करना है, तो जहां से ये निकलता है ये रिंग से, इसके बाद एक पत्ता नीचे से इसे काट देना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो जो नई शाखा निकलेगी यहां से निकलेगी और फल अधिक आएगा। दो शाखाएं निकली तो दोनों पर फल आएगा, तीन निकली तो तीनों पर फल आएगा। दूसरा क्या होगा, अगर आपने ये छोड़ दिया यहां पर ऐसे ही रहा तो यहां से गुच्छे निकलेंगे, यहां से निकलेंगे और कभी कभी वो जो है गुच्छा रोग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे आपको बीमारी मिलती है और फिर आप कहते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मैं ये इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मैं इनको मजबूत करूंगा, अभी मेरा काम है इन टहनियों को मजबूत करना। और अनावश्यक, जितनी भी अनावश्यक टहनियां हैं उनको हटाना और कुछ ही फल लेना। अब आप देखिए मैं कौन कौन से फल लेता हूं। ये देखिए यहां पर ये दो हैं, दो टहनियां हैं, इन दो में से मैं एक को हटा दूंगा, हटा दी। ये वाली मेरी मोटी होगी और इसको मैं बीच में से हटाऊंगा। इसी प्रकार मैं इसको भी हटाऊंगा। ये देखिए ये वाली हटाऊंगा मैं, और जो यहां से जा रही हैं ये तीनों, ये भी हटाऊंगा मैं। ये देखिए यहां से भरपूर आपके जो है ना फल आएंगे। ये हटा दी, ये वाली भी मैं हटा देता हूँ, थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ये जो दो हैं इनमें से मैं रख लेता हूं
और दोनों की बजाय मैं एक में रखूंगा और ये मैंने रख लिया ऊपर वाला। इसी प्रकार ये जो दोनों हैं इनमें से भी मैं हटा देता हूँ, इनमें से मैं एक में रखूंगा। ये इस प्रकार मैं इसकी कैनोपी भी बना रहा हूँ और जो अनावश्यक मेरे फल हैं उनको मैं हटा रहा हूँ। अभी भी मेरे हिसाब से इस पर काफ़ी अधिक फल है, पर इनमें से जब फल लग जाएंगे तो कुछ गिर भी सकते हैं तेज आंधी हवा से और कुछ को मैं थिनिंग कर दूंगा, यानी उनको कम कर दूंगा और मैं 10 से ज़्यादा इस पर फल नहीं लूँगा, 10 या 5 फल ही लूँगा। अब ये पौधा बहुत अच्छी, इस टाइम नौरस का मौसम है, बहुत अच्छी बढ़वार करेगा ये और बहुत अच्छी कैनोपी बनती चली जाएगी। पौधा जितना थोड़ा सा खुला हो उसमें हवा जाए धूप जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने हाई डेंसिटी के पौधों की या जो नए पौधे लग रहे हैं इस प्रकार पहले 3 साल में देखभाल करते हैं तो आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस पर मैंने एक आम लिया था पिछली बार, इतना बड़ा अच्छा मोटा आम आया था, तो अब की बार मैं सोच रहा हूँ इसमें से 8-10 आम ले लूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा 5 तक ही बड़े आम लूँ। और अब इसमें फुटवार होगी, मैं यहाँ पर खाद लगा दिया है और पानी भी दे रहा हूँ इसमें जब भी समय होता है। हाँ, कभी कभी कोई हल्की सी फंगस वगैरह हो तो आप इसमें C+M यानी कार्बन डी प्लस मैनकोजब या वही एक जो उसका निरंजन जैल आता है, बहुत अच्छा है इफ्को का, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और खाद प्रचुर मात्रा में खाद दीजिए और न्यूट्रेंट रखिए। हाँ, सल्फेट को DAP के साथ नहीं देना है। 1 साल के पौधे में किसी भी किस्म का फ्रूट हो तो कम से कम 5 किलो वर्मी कंपोस्ट या 10 किलो गोबर का खाद अवश्य दें। इसके साथ में आप DAP वगैरह भी मिला सकते हैं, लेकिन इतना तो देना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इसमें गुच्छा रोग नहीं आएगा। कुछ भाइयों ने मुझे फ़ोटो भेजे हैं कि देखिए हमारे में ये प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि जब आप इससे फल ले लेंगे तो यहाँ से अधिकतर उसे तोड़ देंगे, यहीं से या तो फल ले लिया या आपने तोड़ दिया यहाँ से, तो यहीं पर बहुत सारे नई शाखाएं निकलती हैं, फूल से निकलते हैं बहुत शाखाएं, उसे गुच्छा रोग कहते हैं। इसलिए जब इसे काटें इस रिंग से नीचे से काटें जैसा मैंने बताया तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कटाई के बाद COC 3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे अवश्य करें। किसान साथियों, ये थी एक मेरी छोटी सी प्रस्तुति कि आम के पौधों में जो छोटे पौधे हैं किस प्रकार उनकी सुरक्षा रखें, कितने वर्ष तक फल न लें तो अच्छा है। ग्राफ्टेड पौधे हैं, फल 6 महीने बाद ही शुरू हो जाता है, उसको न रखें। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।